तो नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में एनडीए सरकार, नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम बने हैं। हालांकि जो नाम लगातार चर्चा में थे वो दूर दूर तक नहीं है, और जो नाम रेस में कहीं नहीं थे अब वो चर्चा में बन गए हैं। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम दो और फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है 9वीं बार। इसमें शामिल होने के लिए तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो भी पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। जेपी नड्डा राजभवन में मौजूद थे। आपको बता दें कि लगभग आज 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को इस्तीफा सौंपा था नीतीश कुमार ने, जिसके बाद अब उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से खबर, जहां न्यूज 18 खबर पर एक्शन जारी है। धर्मांतरण के एजेंट बने हेडमास्टर पर केस दर्ज हुआ है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कल हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। देवी देवताओं को नहीं मानने की वो शपथ दिला रहे थे, छात्रों को शपथ दिलाते वीडियो उनका सामने आया था। बिल्कुल, स्कूल के बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। इसके बाद इस संवेदनशील विषय को, संवेदनशील मुद्दे को न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद डीओ की तरफ से आदेश जारी होते हैं, प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया जाता है और अभी एक्शन जारी है। उमेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ अपडेट मामले पर? अब रतनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है 153A 95 के तहत। मामला दर्ज जो है वो प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, रतन लाल सरोवर के खिलाफ। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद इस पर जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक्शन लिया था, उन्हें पहले निलंबित किया। जिस तरीके से वो स्कूल में बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे थे, इसके बाद ये जब वीडियो वायरल हुआ और जब खबरों को प्राथमिकता से दिखाई गई तो विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य है वो आक्रोशित थे और आज उनका पहले पुतला दहन किया गया। इसके बाद रतनपुर थाने में शिकायत की गई। इस पूरे शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल अभी जो आरोपी प्रिंसिपल है वो गिरफ्तार नहीं हुए। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है और कब तक उसकी गिरफ्तारी करती है। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।